अपना परिचय बता दें। योगी आलोकनाथ सनातनी। योगी जी, 2000 के नोट RBI बंद करने जा रहा है, क्या लगता है कितना अच्छा फैसला है ये? ये तो अच्छा ही फैसला है, क्योंकि इससे काला बाजारी जैसे कार जो चल रहे हैं इससे एक पाबंदी लगेगी, और छोटे नोटों को चलना चाहिए जो पूरे विश्व भर में चल रहे हैं, हमारे भारत में भी चलना चाहिए वही। जी, क्या लगता है, एक बार 500 के नोट बदले थे, सब हुआ था, एक बार फिर से RBI कह रहा है अब इसको वापस लिया जाएगा, थोड़ी मुश्किलें भी होंगी? जी, अगर RBI जो गवर्नर ने ये फैसला लिया है तो मुझे लगता है कि फैसला कहीं ना कहीं अच्छा ही। श्रवण कुमार मिश्रा है। श्रवण जी, 2000 का नोट बंद होने के कगार पे है, RBI उसे वापस ले रहा है, क्या कहना चाहिए? जी, मैं सरकार के इस फैसले का समर्थन करता हूँ, क्योंकि विदेश नीति देखी जाए और तमाम जगहों पर देखा जाए तो छोटे नोटों का चलन ज़्यादा है, और एक साथ 500 के नोट बंद चलने के साथ साथ जो 2000 के नोट चलने लगे थे, मुझे लगता है कि ठीक है, ये फैसला सही है कि 2000 के नोट बंद हो रहे हैं और 500 के नोट ही अब चलेंगे, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो काला बाजारी हो रही है या लोग धन संग्रह कर रहे हैं इसके लिए ये एक बड़ा वो होगा, सही कार्य होगा। मेरा नाम डॉक्टर बद्री विशाल। बद्री जी, 2000 का नोट बंद हो गया है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, 2000 का बड़ी नोट जो है इसलिए बंद कर दिया गया कि इसके कारण से पूरे विश्व में तस्करी बहुत ज़्यादा होती, खासतौर से नेपाल और बांग्लादेश और पाकिस्तान, इसमें सबसे ज़्यादा 2000 नोटों की तस्करी होती थी, और इस कारण से बंद हो गया तो ये अच्छी ही बात है। अब मार्केट में बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है 2000 के नोटों की, क्योंकि 500 का नोट इस समय बहुत सुरक्षित है, उसके जाली नोट नहीं आ पाए, लेकिन 2000 के नोट हैं इसमें कोई दो राय नहीं, कई जगह पकड़े दिए गए। क्या लगता है, फैसला सही है? हाँ, ये फैसला बिल्कुल सही। मेरा नाम चंद्रशेखर मिश्रा है। चंद्रशेखर जी, 2000 के नोट अब बंद होने जा रहे हैं, तो क्या लगता है कितनी अच्छी पहल है या फिर आगे क्या है? इसे भ्रष्टाचार पे बहुत बड़ा जो है तमाचा है, क्योंकि बड़े नोटों से जो है बड़े भ्रष्टाचार होते थे, और देश का अपने जो मन मिजाज है भारत का जो है इसमें छोटी पूंजियों का प्रचलन जो है सदैव से रहा है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि छोटी मुद्राएं प्रचलन में रहे, इससे भ्रष्टाचार पर बहुत बड़ा अंकुश लगेगा जो है, और देश की जनता जो है खुशहाल होगी।